नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो फाइनली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है न्यू लिस्ट 2022-23 का जो है जारी कर दिया गया है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का न्यू लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। अगर आपका नाम वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिस्ट में नाम शामिल नहीं था तो आपका नाम जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिस्ट में जरूर शामिल होगा। आप सभी को एक बार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 का लिस्ट डाउनलोड करके अपना ग्राम पंचायत का जो है आप लोग आसानी से उसमें देख सकते हैं और देख लेना चाहिए। तो आप सभी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का लिस्ट जो है कहां से और किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करना है। जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको सरकारी सेंटर देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2022-23 आउट, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेना है। सारा जानकारी यहाँ पर दी गई है, स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2022-23 लिंक 1 एवं लिंक 2 जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। आपको सबसे पहले लिंक 1 पर क्लिक करना है। अगर मौका बाय चांस जो यहाँ पर अगर आपका लिंक 1 काम नहीं करता है तो आप लिंक 2 के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो आपको लिंक 1 पर क्लिक कर देना है। अब जैसे लिंक 1 पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कोई सा भी स्टेट से हो, यहाँ पर सारा स्टेट जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका जो भी स्टेट होगा अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा देखकर। उसके बाद जो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना ज़िला जो यहाँ पर जो भी आपका ज़िला होगा अपना ज़िला जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से कोई सा ज़िला जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ फिर से स्क्रॉल करना है और फिर से जो यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब जो भी आपका ब्लॉक होगा अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर से नीचे आना है, अपना ग्राम पंचायत जो भी होगा अपना ग्राम पंचायत जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से नीचे आना है और एक कैप्चा कोड दिख रहा है, एक कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो एक कैप्चा कोड जो यहाँ पर गलत आया है, बहुत ऐसा है जो यहाँ पर बार बार जो यहाँ पर गलत कैप्चा कोड आता है, क्योंकि जो यहाँ पर 55 है और बीच में माइनस है और 90 है, तो 55 में से 90 नहीं घटेगा, माइनस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ये कैप्चा कोड जो है गलत आया है, नहीं तो आप लोग डालेंगे तो आपको जो है डाटा नोट फंड दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी साइड में यहाँ पर कितना हो अंक हो यहाँ पर आप लोग जोड़कर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 32 और 70 कितना हो गया, 102 हो गया, तो यहाँ पर फटाफट से 102 डाल देता हूँ। अगर माइनस रहेगा तो आपको यहाँ पर जैसे बीच में माइनस रहता तो ये जो है 32 में से 70 नहीं घटता, तो ये कैप्चा कोड जो है गलत रहता, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करके आपको दूसरा बनाना पड़ता। तो यहाँ पर ये कैप्चा जो है सही आया है क्योंकि जो है प्लस का चीज है, तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपको ध्यानपूर्वक कैप्चा कोड सही डालना है, नहीं तो आपको नीचे आ जाएगा नोट फंड जो है यहाँ पर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है, तो इस प्रकार से जो है आपको नीचे जो है लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट जो है ओपन हो गया। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में तो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके जो है ये लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट नेम देखने को मिल जाएगा, ब्लॉक पंचायत, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशरी नेम जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर खोज सकते हैं। अगर इसमें खोजने में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर जो फाइंड इन पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट अपना नाम डालेंगे, जो भी नाम होगा इसमें आप लोग जैसे डालेंगे तो आपको जो यहाँ पर सर्च करके दे देगा। अगर आपको सबसे पहले जो अपना पति के नाम से जो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर पत्नी के नाम से फाइंड करना है, अगर पत्नी के नाम से नहीं मिलेगा तो आप पति के नाम से फाइंड कर सकते हैं। अधिकतम जो है पत्नी के नाम से जो है आवास योजना का लिस्ट जो यहाँ पर तैयार किया जाता है, क्योंकि हमेशा जो यहाँ पर महिला के ही नाम से जो आवास योजना का लाभ दिया जाता है। वो पति एवं पत्नी यानी कि जो यहाँ पर नेम और फादर्स नेम जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप दोनों में से किसी एक का जो है सर्च करके आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप जो यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो ये सारा बायोडाटा जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं देख सकते यहाँ पर ये सारा बायोडाटा जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते यहाँ पर सारा का सारा जो यहाँ पर आपका यहाँ पर फोटो के साथ में भी आ जाएगा, बहुत सारे का जो यहाँ पर फोटो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं देख सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपका फोटो भी देखने को मिल जाएगा, तो इस प्रकार से जो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से जो आप लोग चेक कर सकते हैं।